हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे रेन अलार्म के बारे में। रेन अलार्म किस तरीके से वर्क करता है। रेन अलार्म बेसिकली यूजफुल है अगर आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर रेन स्टार्ट हो जाती है तो। आपने देखा होगा कई बार आपके जो कीमती चीज़ें हैं वो भीग जाते हैं और उससे आपका नुकसान हो जाता है, तो उन्हें भीगने से बचाने के लिए आप इस सर्किट का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका सर्किट डायग्राम। इसके सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमने दो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। पहला ट्रांजिस्टर है जो T1 बोला है, दैट इज BC548। BC548 इज ए NPN ट्रांजिस्टर जो कि सिलिकन का होता है। और एक हमने यूज किया है TL188। ये एक मीडियम पावर ट्रांजिस्टर होता है, बेसिकली पावर ट्रांजिस्टर है और ये PNP टाइप का होता है, जिसे मैंने T2 बोल दिया। तो T1 था, NPN था, तो इसमें ये बेस है, कलेक्टर और एमिटर। वर्किंग समझने के लिए आपको टर्मिनल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और टर्मिनल्स के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं जो ट्रांजिस्टर का डेटा सीट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BC548 की बात कर रहे हैं हम। BC548 के लिए डेटा सीट है। तो ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से होता है फिजिकली। तो इसका पिन नंबर 1 रिप्रेजेंट कलेक्टर, पिन नंबर 2 रिप्रेजेंट बेस, पिन नंबर 3 रिप्रेजेंट एमीटर। तो इससे आसानी से आप जान सकते हैं कि इसका कौन सा पिन किस टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद इसका रेटिंग भी आप देख सकते हैं कि इसमें कलेक्टर करंट कितना फ्लो होता है, मैक्सिमम रेटिंग्स को ये शो कर रहा है कि इतना मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, ठीक है ना, 100 mA। और उसके बाद एमीटर बेस वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, सभी के लिए डिफरेंट। बेसिकली ये डेटा सेट कॉमन है 546, 547, 548 के लिए, तो उनके लिए वैल्यूज़ दिखाई गई है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है BC548 अगर आपको नहीं मिलता है तो उसकी जगह आप ये ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेटा सीट हो गया। इसी तरीके से आप BC6188 है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं। और 188 की जगह दूसरा भी एक ट्रांजिस्टर है जिसे हम BC369 कहते हैं। ये भी एक मीडियम पावर ट्रांजिस्टर होता है और इसके टर्मिनल इस तरीके से होते हैं, सिमिलर है इसके, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। इसमें 1 टर्मिनल बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 है कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 है एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ TL188 यूज करिए या फिर आप इसकी जगह BC369 यूज करिए, दोनों ही काम करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रेजिस्टर यूज किया है जिसका रेजिस्टेंस है 220 kΩ। एक दूसरा रेजिस्टेंस हमने यूज किया है जिसका वैल्यू है 10 kΩ। एक हमने कैपेसिटर यूज किया है जिसकी वैल्यू है 0.01 μF। बजर हमने यूज़ किया है इंडिकेट करने के लिए कि हाँ जो बारिश है वो स्टार्ट हो चुकी है। बैटरी है वो सप्लाई के लिए यूज़ किया है। और इस जगह पर दो वायर हैं, ये जब रेन स्टार्ट होगी तो दोनों भीग जाएंगे, तो वहाँ पर ये कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे एक तरीके से। इन दोनों कहेंगे कि ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ वाटर ड्रॉप्स। यहाँ पर वाटर जब होगा तो उससे शॉर्ट हो जाएंगे, तो इस तरीके से। अब इसका हम देखिए वर्किंग समझते हैं सबसे पहले किस तरीके से ये काम करेगा। अब मैंने यहाँ पर बैटरी अगर लगा दिया है तो प्लस यहाँ पर है तो प्लस इधर जाएगा। अगर कोई बारिश नहीं हो रही है इसका मतलब ये ओपन है, तो यहाँ से फर्दर आगे कोई करंट जाएगा नहीं, ठीक है, यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं, तो इधर कोई करंट हमें मिला नहीं, तो ये ऑफ रहेगा, ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, क्योंकि इसका बेस है, इससे कनेक्टेड है और बेस में जो करंट फ्लो होता है उसी से ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट कंट्रोल होता है। तो यहाँ बेस जब ये ऑफ हो गया तो यहाँ इसके बेस में इसके कलेक्टर, बेसिकली इसका कलेक्टर और इसका बेस दोनों शॉर्ट है ना, ठीक है ना। तो जब इसके कलेक्टर में कोई करंट नहीं है तो मैं कह सकता हूँ बेस में कोई करंट नहीं है, बेस में कोई करंट नहीं है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, इस ट्रांजिस्टर को ऑफ होने की वजह से इस बजर में भी कोई कनेक्शन नहीं आएगा क्योंकि ये ऑफ है, तो ये बजर आपका नहीं बचेगा। और इसका तो इस समय कोई रोल नहीं है एक तरीके से, ये भी यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी कोई फंक्शन नहीं होगा। तो सिंपल अगर ये यहाँ पर ओपन है तो सर्किट में कोई भी चीज़ कुछ काम नहीं करेगी। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस आता है जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, बारिश की बात करते हैं हम। जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वाटर में आप जानते हैं आयंस होते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी होती है, तो ये दोनों बेसिकली उस समय कनेक्ट हो जाएंगे पानी की मदद से, ठीक है, तो ये शॉर्ट हो जाएंगे एक तरीके से। तो करंट आपका अब यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा, इस जगह करंट जब आ जाएगा तो वो इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा और ये ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ पर बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है,
यहाँ करेंट फ्लो होगा तो इसमें भी करेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और एमीटर में भी करेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करेंट फ्लो स्टार्ट होना शुरू हो गया तो इधर भी हो जाएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो बेस से करेंट बाहर जा रहा होता है, ठीक है, कलेक्टर में करंट अंदर आ रहा होता है, सॉरी दिस इज द एमीटर टर्मिनल, यहाँ पर हमने शो किया ना, ये एमीटर है और कलेक्टर इसका ये है, ठीक है ना। इस केस में बेस ये है, कलेक्टर एमीटर, क्योंकि ये पीएनपी है बेसिकली, ये एनपीएन है, ये पीएनपी है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो इसमें भी करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ पर भी करंट फ्लो होगा और यहाँ पर करंट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस तरीके से इसकी वजह से ये जो बीप है, बजर है, वो आपका बजेगा, ठीक है ना, बजर बजेगा, इस तरीके से बजता रहेगा। अब अगर रेंज बंद हो जाती है, अब क्वेश्चन आता है कि ये एक्स्ट्रा क्यों लगाया पोर्शन, ये पोर्शन एक्स्ट्रा क्यों लगाया, बेसिकली क्या होगा, जब यहाँ से करंट आया उसके बाद फिर ये जाएगा इधर, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है, चार्ज हो जाएगा तो इधर करंट होना फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से कनेक्शन हटेगा तो इधर से सप्लाई आना तो बंद हो जाएगा, लेकिन इधर जो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव अवेलेबल होगा, यहाँ पर नेगेटिव अवेलेबल होगा, तो ये पॉजिटिव है वो इसे फॉरवर्ड बायस करेगा, और इसे फॉरवर्ड बायस करेगा तो वो इसे ये ऑन रहेगा, इसे ऑन कर देगा तो बजर फिर भी बजेगा, थोड़ा सा बजेगा, तो जो बीप बेसिकली है, बीप की साउंड है वो पी इस तरीके से होगी, बजाय पी 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 इस तरीके से करने के लिए, ठीक है ना, तो उस बजर की साउंड को हमें कंटिन्यूस करने के लिए बेसिकली हमने ये चीज़ लगाई है। ठीक है, तो आई थिंक इसका वर्किंग समझ में आया होगा, इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम देख सकते हैं, हमारे पास ये सर्किट है इसका, हमने जो बनाया है इसी को देखिए, पीसी पर हमने इम्प्लीमेंट किया है, सोल्डरिंग की है, आप इसका इम्प्लीमेंटेशन और सोल्डरिंग आप वीडियो में देख सकते हैं, देखिए इसका वर्किंग किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमने इसमें सप्लाई प्रोवाइड की, देखिए जब मैंने इस पर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कोई बीप नहीं बज रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ वाटर रखा है, ठीक है ना, तो वाटर में जैसे ही मैं इसे डिप करूँगा देख सकते हैं ये बजना शुरू हो गया, ठीक है ना, तो रेंज में भी कुछ ऐसा ही तो होगा, कुछ वाटर ड्रॉप्स ऐसे आएंगी, उसके बाद इसे पता चल रहा है आपको, या बाहर कुछ पानी जैसी चीज़ आ रही है उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान ना हो, आपकी कोई चीज़ है वो भीगने नहीं पाए, उससे आप बचा सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इसका जो फंक्शन है, देखिए यहाँ पर ये पड़ा हुआ था, इसमें से बज रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा हो इसमें तो ये बज रहा है, और यहाँ पर ऐसा ही तो होता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पानी फैल गया है सरफेस पर, तो उसकी वजह से ही बज रहा है, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन क्लियर है, आई थिंक इसका वर्किंग आपको समझ में आया होगा, अगर आपको इसका वर्किंग अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, थैंक यू।